आप खुल के बताइए एसोसिएशन बनी है ये ब्रेक को ह्यूमन राइट्स की थ्रू विजन हमारे पास बचा है हम इसी को शेयर करना चाहते हैं हमें बाहर से फंडिंग हो रही है आप चेक कर सकते हो आप तीन तीन वॉलंटियर हैं हर डिस्ट्रिक्ट में वो ये चेक करके जमा करते हैं कुछ 2000-3000 मैं डिस्ट्रिक्ट की चित्रागांव की रहने वाली हूँ मुझे 2016 में लगी है 2 नवंबर था मैं उस टाइम नानीहाल जा रही थी मतलब नानीहाल में मुझे काम था मैं वहाँ जा रही थी तो मतलब वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था मैं उस टाइम पैलेट का शिकार हुई मतलब जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो तब मतलब कुछ लोगों ने थोड़ी मतलब मदद किया हमें उस टाइम मतलब दवाई फ्री मिली थी हॉस्पिटल में तब से आज तक ना मतलब हमें कुछ मिल रहा है ना हमें मतलब एक सेकंड एजुकेशन में कुछ मिल रहा है ना मतलब उस टाइम मुझे 12 का एग्जाम था उन दिनों मैंने सर को भी बोला था सर मुझे कुछ रिलीफ दो मैं पैलेट विक्टिम हूँ ना उस टाइम कुछ हुआ ना आज कुछ हो रहा है फिर मैंने उस टाइम मतलब अपनी पढ़ाई भी तब से मैंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू नहीं की भाई यही इसकी वजह से कि मतलब एक तो सबसे पहले कि ये पैलेट गन ना बंद होने चाहिए क्योंकि मतलब इसके ना बहुत सारे शिकार हुए हैं इसकी वजह से मतलब ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए और हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि हमारी मदद करो हम इतने सारे सभी इसमें स्टूडेंट ही है कोई मतलब उतना ज़्यादा बूढ़ा नहीं है कि उसने अपनी मतलब लाइफ से ट्रैवल किया नहीं सभी हम अभी भी मतलब छोटे ही है हमें अभी भी मतलब पढ़ने की बहुत ज़रूरत है इसकी वजह से हम गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं हमें किसी भी तरह कुछ भी मतलब किसी भी तरह हमें हेल्प कर दो बस